का करते हो अम्मा? लाई रही पछो नमस्कार दोस्तों, नई उम्मीद नई विश्वास के साथ मंडली की वाली न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो हमारी वीडियो स्माइल करने के लिए बोल रही है, लेकिन अब जो है मेरे चेहरे पर हंसी नहीं आने वाली है। अंदर से जब आत्मा में फीलिंग होती है हंसी की या नर्वस हो कोई इंसान या दुखी हो, तो उस हिसाब से आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो जैसी फीलिंग रहती है वैसा ही फेस रहता है इंसान का। तो रात का टाइम है, बज रहे हैं लगभग 8:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए निमोना, और निमोना नहीं जी, यह है पालक का सपैता बना हुआ है। चला दीजिए तो सिर्फ जो है सपैता और चावल बनाए हैं रात के खाने में। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोगों ने हमारा वॉच टाइम कंप्लीट कराया, उसी तरीके से प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग हमारी फैमिली को कंप्लीट करा दीजिए। और आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं हमें सहयोग करने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है चाय थोड़ा सा यह सिंगाना इसको जा रहे हैं घूमने। और अम्मा जो लाइट फटक रही थी वो किसके लिए बता दें आप लोगों को, देवर जी कल जा रहे हैं तो इसकी वजह से सुबह मतलब रास्ते में जो है नाश्ता बनाने के लिए कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा सा ममरा यानी लाइट को भून के बना देंगे। तो ये देखिए सिंगाना है भाई, तो ग्राम इसको भून रहे हैं इसे मिक्स करने के लिए। बाकी देखिए कड़ी पत्ता भी होना चाहिए जो कि नहीं है, बच्चों को बोलती मैं चली गई थी सुल्तानपुर दवा लाने के लिए सिटिया का, नहीं तो फिर लेके आते बगल में है पड़ोस का। और ये तड़का लगाने के लिए रखे हुए हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो कैसी लगती है जरूर बताइएगा। बात करने का इच्छा नहीं हो रहा है अंदर से, चलिए फिर बने रहिएगा आप लोग लास्ट तक। मिलते हैं आप लोगों से सुबह। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? हाँ जी मान बच गए हैं सुबह ही है, पानी जाते पानी पत्थर लग गए हैं तो आने जा रहे पाइप फैला के पानी भरने, इससे भरवा रहे पानी जबरदस्ती। ठीक है, काम नहीं करना चाहते जैसे बीमार हुई है। और यहाँ पर देखिए इंजेक्शन भी नहीं आ रही है, हर कभी उधर गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। अच्छा अब जा रही हैं पूजा और गुड मॉर्निंग कर रहे हैं आप लोगों से, अब देखिए सब मुलाकात होती है हमसे भी इतने दिन तक साथ में रहे। हम इस बार तो साथ में रहे नहीं, तो ऐसे आती थी कि कुछ मायके में कुछ यहाँ का टाइम बीत जाता था। यहाँ पर देखिए आलू उबल रही है जिसका बनाएंगे नाश्ता है आलू दम। और ये पालक आलू काट रहे हैं, मटर छीलेंगे थोड़ा सा, सब्जी बनाने के लिए उनको ले जाना है रस्ते का, एक दो दिन तक खाना ले जाएंगे। और देखिए पूरी जो कि देखिए वहाँ पर कुछ खाना खुला पड़ा है आपको दिखेगा, गले को जाता शाम को थोड़ा बच गया था। और इसमें मैं चाहते थे कि तबियत खराब हुई तो मैं ध्यान दौड़ने देती थी, जहाँ गए थे एक दो घंटे तक लोग परेशान रहे थे रात में सब सो गए और उनको आराम नहीं हो पा थी। रिश्तेदार को लेकर तुरंत उनके मतलब भैया आए लेके गए हैं। तो इसलिए सब्जी बनाएंगे पूरी को ले जाएंगे, दाल चावल बनाएंगे तो खाने के टाइम पर बनाओ, चावल बनाने के आसपास निकलना है। और आप लोग वीडियो में लाकर बनाएगा भी मैं जा रही हूँ ना गैया को निकालने और दूध निकाल के लाऊंगी। यहाँ पर चाय बनी हुई है शाम के दूध की, आप सबको पता है मैं नहीं पीती हूँ, उसके बाद चाय बना सकती हूँ तो फटाफट से खाना बना लेना हमको। अब विजया रानी जा रही है पानी भरने पाइप से, इसलिए बड़े काम नहीं कर। तो ठीक है फिर बने रहिएगा आप लोग लास्ट तक, मिलते हैं थोड़ी देर में। यार ये आते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसा क्या रीज़न है? प्लीज़ वीडियो में क्या मतलब आप लोग नहीं सही लगता है वो भी बता सकते हैं आप मुझे कमेंट करके, ताकि मैं अपनी गलतियों का सुधार कर पाऊँ। जिससे आप लोग हमारी वीडियो को वॉच करो और लाइक शेयर करो, जो भी नए आते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। चलिए फिर मिलते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। हाँ जी मैम, क्या सोच करके हम सुबह 19 तारीख की सुबह उठे थे और सोचा था कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेते हैं, और क्या कुछ हो गया हमारे साथ ज़िंदगी में, तो हमने सोचा आपको बता ही दें और वीडियो मतलब उन्हें कर दें इसका। तो सुबह का टाइम है और बन रही है हमारे यहाँ चाय, देखिए एक बार सब बन रही है, भैया ने चाय पी लिया है और पिताजी ने भी और बच्चों की बन रही है।
अरे देखिए बनाए हैं सादा भुजिया, मतलब कि सिर्फ नमक है और वो है रिफाइन वाला है, क्योंकि हमारे चाचा से पूजनी जो हमारे थे, हमारे पिताजी के छोटे भाई थे शत्रु जी के, वो अब नहीं है हम लोगों के बीच जो है, तो खाना कैसे ही बढ़िया है। बच्चों को जाना है स्कूल, अभी भुजिया बनाए हैं, थोड़ा सा आटा दिया और अन्न में लगा के रख दिया है। 19 तारीख को उनका भी स्कूल टिकट था, लेकिन वो अभी 5 बजे बोला मुझे इस तरह से जाना था, तो 19 को भी घर से जब निकलते तो रात में वहाँ रहते भोर में तो उनको पकड़ते, पर जैसे सब्जी वगैरह तैयार कर रहे थे हम लोग, ऐसे ही मतलब उन्होंने पिताजी ने फोन किया था, फिर ऐसे पता चल गया सच में, हर जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, मतलब जिसको कुछ हुआ ही ना हो जो एकदम सही तलाया, खाना पीना खा के मान लीजिए ये हुआ कि चलो तभी शाम को ही खराब हुई थी कि बाजार गए हुए थे, मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ, हम लोग ये नहीं फिर किए थे कि ये जा रहे हैं तो वापस इस हालत में आएंगे, इस कंडीशन में आएंगे, लेकिन भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता है, यही सब चीज़ें हैं, तो खाना तो ऐसे ही बनता है। दस दिन उसके बाद ये हल्दी आती है, तो इस पर मतलब क्या कैसे होता है सब चीज़ें मैं आप लोगों से अलग से शेयर करूँगी कि क्या कैसे खाना वगैरह बनाया जाता है, खाना तो यहाँ कुछ दिखाना नहीं है, हमने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और बात करके जो है थोड़ा सा आलू रखे हुए हैं, इसको हमें मतलब तल के देना है सारा नमक मिर्च डाल करके खाने के लिए, कुछ ना कुछ तो आदमी खाएगा, ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगती, क्या नहीं लगती, दुख के दिनों में कहते हैं ना कि पेट भी बड़ा हो जाता है इंसान का, तो चलिए फिर मैं मतलब ज़्यादा बात नहीं करूँगी आप लोगों से, मिलूँगी फिर जल्दी, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत सारी पेंडिंग है, आप लोगों को पता है कि मतलब शादी थी और सारी मैं वीडियो एक्स्ट्रा में ही रखती हूँ आप लोगों का शेयर करना, तो जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ लास्ट तक, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय।